इस वक्त तकरीबन एक गाय के लिए 20 केजी हरा चारा चाहिए डेली। तो उसके लिए हमें प्रॉपर किसान से ख़रीदते हैं और इनको प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा ये बछिया हैं, ये देख सकती हैं, ये सभी जो गायें हैं सांड है, ब्लाइंड है, इनको अलग सुविधा चाहिए। बांध के रखने से इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। अब ये कहीं भी पानी पिए कहीं दबाकर ये दूध निकाला जा रहा है। और किस तरह से ये दूध निकालने की प्रक्रिया है ये गौशाला से आपको दिखाई जा रही है। नील गाय अमूमन तौर पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। ये छलका, चूरी, खांडा, खल, ये सब पौष्टिक आहार है जो हम इन गायों को देते हैं। हमारा दिन भर में तकरीबन 200 लीटर दूध जो है पर डे निकलता है और एक गाय तकरीबन 6 लीटर से 8 लीटर तक दूध देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। गौ रक्षा, गौ हत्या, ऐसे तमाम मामले हैं जिनसे आप परिचित होंगे, लेकिन असल में गायों को कैसे पाला जाता है, किस तरह से उनका पालन पोषण किया जाता है, उन्हीं को भापने के लिए आज पहुंचे हैं दिल्ली के बवाना में। बवाना में स्थित गौशाला जिसका नाम है ग्रामीण गौशाला। इस गौशाला के बाहर मैं मौजूद हूं, आपको दिखाना चाहूंगी। ये ग्रामीण गौशाला है दिल्ली के बवाना में, जहां आज हम लोग ये जानने पहुंचे हैं कि किस तरह से गायों को पाला जाता है, उनका पालन पोषण किस तरह से किया जाता है, एक जानवर की, एक गाय की किस तरह से पूरी दिनचर्या होती है इसको भी जानेंगे यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं से हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी कि जो गाय सड़कों पर घूमती हैं वो आवारा नहीं है, उन्हें लोग पालते हैं, सुबह छोड़ देते हैं और दूध के वक्त उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पालतू हैं और आवारा नहीं है। तो ऐसे में उनकी क्या असली स्थिति है, ज़मीनी हकीकत उनकी क्या है कि वो किस तरह से रह रही हैं, उनकी क्या दिनचर्या है और असल में एक गाय की दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए, इसी को जानने के लिए आज हम इस गौशाला में पहुँचे हैं। अंदर चलते हैं और जानते हैं कि कितनी गाय यहाँ पर रहती हैं और उनका पालन पोषण किस तरह से किया जाता है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जानते हैं इस गौशाला में किस तरह से गायों का पालन पोषण किया जाता है। इसी की जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के मैनेजर मौजूद हैं। किस तरह से गायों की देखरेख की जाती है, किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। कि सबसे पहले तो यही जानूंगी कि आपकी ये गौशाला कब बनी थी, कब से संचालित हो रही है। देखो जी, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तकरीबन 1958 से जो है गौशाला हम सुनते हुए आ रहे हैं। लालचंद महाराज जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1958 में, और 1968 में राम शुभम द्वारा केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हम पैदा भी नहीं हुए थे शायद, तब से ये गौशाला निरंतर अपनी सेवा के लिए विख्यात है। कितनी गाय यहाँ पर, टोटल कितनी गाय बताइए आपने? तकरीबन 3,500। हाँ जी, तो इनमें अलग अलग आपने बाड़े बनाए हैं जिसमें बछिया अलग हैं और दूध देने वाली अलग? नहीं, वो तो शुरुआती हैं, जो थोड़ी नस्ल की दिखाई देती हैं, जो अपनी माँ का दूध छोड़ देती है बच्ची, तो उसको उस साइड में रख देते हैं कि आगे उसको भरपूर मात्रा में चारा मिल सके, चारे की व्यवस्था हो, कि छोटे बच्चों को बड़े चारा नहीं खिलाने देते। जब दूध छोड़ देते उनको चारा भी चाहिए और चारा खाने में इनको दिक्कत होती है, तो छोटे बच्चों को हम दूसरे बाड़े में रखते हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, मैं ये जो देख पा रही हूँ इस वक्त तस्वीरों में, ये गायों के बीच गोबर का एक ढेर, इसमें ट्रैक्टर आप लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये क्या कुछ प्रक्रिया की जा रही है? ये ऐसा सफाई हो रही है, बाड़ों की सफाई हो रही है, ट्रैक्टर आपने खींच के ला रहा है और यहाँ पे इकट्ठा करके इसको यहाँ से उठा दिया जाएगा 2 दिन बाद में, और इसको साइड में रख दिया जाएगा। 2 दिन बाद का समय होता है इनका कि थोड़ा सूख जाए ये, तो यहाँ से उठा के दूसरे साइड में रख देते हैं, नहीं तो किसान लेके जाएंगे। ये गायों का अपार्टमेंट हमने देखा है, तो ये अपार्टमेंट जो है इसमें तकरीबन कितनी गाय हैं और क्या एक गाय को पालन पोषण के लिए दिन भर में कितना चारे की आवश्यकता होती है? इस वक्त तकरीबन एक गाय के लिए 20 केजी हरा चारा चाहिए डेली। तो उसके लिए हमें प्रॉपर किसान से ख़रीदते हैं और इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा जो है इस बाड़े में तकरीबन
130-140 गाय हैं। हाँ। और बाकी जो गाय हैं वो अंदर वाले बाड़े में हैं। जो ये जितनी भी मैं गाय देख रही हूँ सब अभी कम उम्र में हैं, तो मतलब अभी नवजात बोल सकते हैं इनको? नवजात नहीं बोल सकते, लेकिन इनके लिए जो बछिया टाइप बोलते हैं हम अपने देसी भाषा में, बछिया हैं ये। अब ये क्रॉस होके आगे जाएंगी तो इसके लिए यहाँ प्रॉपर रखी जाती है यहाँ पे कि अच्छा खान पान इनको मिले, पोषण मिले अच्छा ज़्यादा। हाँ जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो ये गाय चारा ले रही हैं, ये क्या है, चारे में क्या कुछ आप खिलाते हैं? इसको जई बोलते हैं। ये जई है, हरी जई किसान से खरीदते हैं, और तकरीबन हरा चारा, सूखा चारा नहीं। अभी सूखा चारा जब ये हरा चारा ख़त्म हो जाता है उसके बाद में सूखा चारा डाला जाता है इन पे। इसको मैं देख रही हूँ नमक और गुड़ भी नज़र आ रहा है। नमक तो इनको पाचन शक्ति के लिए नमक दिया जाता है और इनको कोई कमी ना हो। हाँ। और गुड़ है जो, हाँ। गुड़ के लिए भी इनकी वो अच्छी सेवा के लिए, ठंड ना लगे रात में। हाँ। गुड़ भी डाला जाता है, देखो आप, गुड़ भी है। तो मैं ये देख रही हूँ कि जिस तरह से गाय हैं जो खेल रही हैं पीछे नज़र आ रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सफाई का क्या ध्यान रखा जाता है? अभी ये दूसरे बाड़े में शिफ्ट हो जाएंगे तब इन बाड़े की सफाई की जाएगी प्रॉपर। डेली का यही रूटीन है, सुबह और शाम, सुबह भी सफाई होती है और शाम को भी। और ये अभी यहाँ से निकल जाएंगे, दूसरे बाड़े में शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद में सफाई हो जाएगी इनकी। तो नहीं तो अगर ऐसे ही रखेंगे तो ये तो बहुत एक दो दिन में ख़राब हो जाएगा। हाँ। बीमारी आ जाएंगी। फिर इसके बाद इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता? ये खाद किसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसान खेती में ले जाते हैं, यूज करते हैं। और फर्टिलाइजर में नहीं, नहीं हम भिजवाते नहीं, यहीं से किसान ले जाते हैं। हाँ, खुद लेके जाते हैं गौशाला से। क्या रोजाना में इतना जितना गोबर निकलता है, खाद पैदा होती है जितनी, क्या रोजाना यहाँ से इतनी इतने गोबर को ले जा पाते हैं किसान? नहीं इतने तो ऐसा ना, फसल का टाइम पे नहीं ले जाते। हाँ। लेकिन फसल खत्म होते ही खेत में डालने के लिए लेके जाना पड़ता है इसको। तो किसानों की फसल होती है उस वक्त कहाँ आप? हमारा पीछे स्टोर है, पीछे हम स्टोर करते हैं इसको, और स्टोर करते हैं। जब किसान के पास खाली ज़मीन हो जाती है तो वो यहाँ से ले जाते हैं इधर। आपने, हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि दो पार्टीशन कर रखे हैं, तो ये दो पार्टीशन किस लिए, कि इधर गायों को किस तरह से रखा गया, किस कैटेगरी में रखा गया और इधर किधर? ऐसा ये बछिया हैं, ये देख सकती हैं। हाँ। ये सभी जो गायें हैं सांड है, ब्लाइंड है। हाँ। इनको अलग सुविधा चाहिए। पता कैसे चलता है कि कौन सी गाय अंधी है या? देखो जी, आप किसान के घर पैदा हुए हैं, आपको पता लग जाता है ये अंधी है जी। इलाज कराया गया होगा पहले? पहले तो इलाज होता ही है प्रॉपर। हाँ। लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। हाँ। क्यों, वो सुविधा हमारे पास इतनी नहीं है। हाँ। जो अंधी गाय को ट्रीट कर दें। हाँ। कितनी संख्या में आपके पास ये ब्लाइंड गाय है? तकरीबन 18 की संख्या में ब्लाइंड है, और बाकी जो है सांड भी हैं और गायें भी हैं ब्लाइंड, 18 हैं। किस तरह से इनका पालन पोषण होता है, क्योंकि नॉर्मल गाय के पालन पोषण में जो तकलीफ नहीं आती होगी वो कहीं ना कहीं इनके इनको पालने में आती होगी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल कुदरत की माया है, इनका चारा अलग है। हाँ। और पानी पीने का अलग है, सब कुछ इसकी देखभाल के लिए 3 आदमी रख छोड़े हैं। हाँ। 3 आदमी स्पेशल इन गायों को देखते हैं, ब्लाइंड गायों को। बांध के क्यों नहीं रखा है इन गाय? देखो जी, बांध के कैसे रखे, पशु है, इतने सारे पशु हैं। और दूसरी बात यह है, बांध के रखने से इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। अब ये कहीं भी पानी पिए, कहीं भी चारा खाएं, इनकी मर्जी। हाँ। इनकी मर्जी पर रख छोड़ा है। अधिकतर जगह देखा जाता है कि बंदी रहती है, वो उनकी अपनी है। हाँ। हो सकता है उनका कोई अलग कारण रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ पे गाय को बांध के नहीं रखते, जिसको जहाँ मर्जी है वहीं खाओ। गौशाला में किस तरह से गायों को पाला जाता है ये तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो गाय का दूध है वो निकाला जाता है और किस तरह से उनको रखा जाता है। तो इस वक्त आपको इस गौशाला के दूध वाले बाड़े में लेकर चलते हैं, जहां गायों के दूध को निकाला जाता है, और गाँव के जो आसपास के गाँव के इलाके के लोग हैं वो यहीं से
दूध लेने के लिए आते हैं। अब चलिए देखिए किस तरह से गायों को एक एक कर यहाँ पर रखा गया है, और ये पूरा एरिया जो है ये वही एरिया है जहाँ पर जो गाय दूध देती हैं वो गाय यहाँ पर है। तो बात करने का भी प्रयास करेंगे और एक एक करके इस पूरे बाड़े को आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गाय यहाँ पर रहती हैं। आपको बता दें कि देखिए जो इस वक्त की प्रक्रिया आप देख रहे हैं ये दूध निकालने से पहले की प्रक्रिया है, जब गायों के पैरों को बांध दिया गया है ताकि दूध निकालने में आसानी रहे और गाय इधर उधर उछल कूद ना करे। और ये देखिए कि किस तरह से थनों को साफ करके और दूध निकालने की तैयारी की जा रही है। एक बाल्टी लेकर कितनी तादाद में ये दूध निकाला जाता है ये भी जानकारी लेंगे कि इस पूरे बाड़े में से कितना दूध पूरे दिन भर में निकल जाता है और कितना दूध ये लोग गांव वालों के लिए इकट्ठा कर पाते हैं। दूध निकालने की शुरुआत, और देखिए किस तरह से थनों को दबाकर ये दूध निकाला जा रहा है और किस तरह से ये दूध निकालने की प्रक्रिया है ये गौशाला से आपको दिखाई जा रही है। कितना ये पौष्टिक दूध निकलता है? ऐसा जी, हमारे यहाँ गाय के स्पेशल दाना डाला जाता है, इसमें चूरी होती है, छिलका होता है और खल बोलते हैं हम देसी भाषा में जी। जो चोकर होता है हाँ। वो सब डाला जाता है भिगो के हाँ। ऐसे नहीं सूखा नहीं डालते, भिगो के डालते हैं। पहले इनको खिलाने के लिए पौष्टिक आहार जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और पहले इनको बाट बिनोला खिलाया जाता है, उसके बाद दूध निकाला जाता है। ये शुद्ध देसी गाय का दूध है, और आप देखिए एक बछड़ा है, बच्चा पी रहा दूध, ये सब पौष्टिक है, इससे पौष्टिक कोई दूध नहीं होता। नील गाय अमूमन तौर पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप जंगलों में जाएंगे तो शायद मिल भी जाए, लेकिन दिल्ली की इस गौशाला में आज भी यहाँ पर आपको ये गाय का बच्चा देखने के लिए मिल सकता है। ये बछड़ा है और यहाँ पर ये नील गाय का बछड़ा है जो देख पा रहे हैं आप इस वक्त की तस्वीरों में, क्योंकि किस तरह से इसका पालन पोषण किया जाता है। और आप इसे ये जान लेती हूँ कि क्या इसके पालन पोषण के लिए कुछ अलग से आपके द्वारा किया जाता है या फिर और गायों की तरह ही इसका पालन पोषण? नहीं, इसके लिए स्पेशल है, इसके दूध की अलग पिलाया जाता है, इसको बोतल में दूध पिलाया जाता है और बोतल से ही इसको दूध मिलता है, बोतल को ही दूध मिलता है, क्योंकि गाय को ऐसे नहीं पिला सकती कोई भी गाय, नील गाय के बच्चे को नहीं पिलाएगी, तो इसको बोतल से ही दूध पिलाया जाता है। और ये तकरीबन हमारे पास अनुमान एक दिन का ही होगा तभी हमारे पास ये बच्चा आया था। ये छिलका, चूरी, खांडा, खल, ये सब पौष्टिक आहार है जो हम इन गायों को देते हैं। अनुमान ऐसा कोई गौशाला में नहीं देता मिलेगा आपको। एक गाय तकरीबन कितना दूध दे देती है, और जितनी आपकी गायें यहाँ पर एक बाड़े में हैं कुल कितना दूध आपका दिन भर में? हमारा दिन भर में तकरीबन 200 लीटर दूध जो है पर डे निकलता है, और एक गाय तकरीबन 6 लीटर से 8 लीटर तक दूध देती है एक टाइम में। कितना गांव के लोग लेकर चले जाते हैं और कितना? गांव के लोग 200 लीटर निकालते हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए छोड़ देते हैं हाँ। जो इनके छोटे बच्चे हैं वो उनको सब दूध पीते हैं, वो पूरा दूध नहीं निकाला जाता हाँ। अगर पूरा दूध निकाल देंगे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे हाँ। तो थोड़ा दूध निकालते हैं, 5 लीटर या 5.5 लीटर, तकरीबन 8 लीटर दूध देती हैं और बाकी बच्चों के लिए छोड़ दिया जाता है। ये जो दूध है जो अभी गौशाला से ही निकल कर आया है और इस ड्रम में ये एकत्रित कर रहे हैं, और वही दूध को मैं टेस्ट कर रही हूँ। ये कच्चा दूध है और वाकई इसे पीकर ऐसा लग रहा है कि मीठा दूध, इसमें अलग से कोई शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी टेस्टी है, क्योंकि पोषक तत्व ये लोग इतना अच्छी तरीके से गायों को देते हैं कि दूध जो है पूरा पौष्टिक आहार के साथ हमारे सामने आता है। एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक पोषक तत्व हमारे सामने, ये दूध मार्केट में बिकने वाले दूध हो और एक ये दूध है, दोनों का कंपैरिजन करें तो मुकाबला ही नहीं है इस दूध का कि कोई और दूध इसका मुकाबला ले पाए। किसानों द्वारा ये दान में दी गई कुछ मशीनें हैं, कुछ मशीनें यहाँ इनके द्वारा खरीदी ही गई हैं, जिसमें गायों को खिलाने के लिए ये चारा काटा जा रहा है, ये हरा चारा जो कहा जा रहा है कि पौष्टिक है,
आपने ये पूरी गाय का एक हुजूम देखा जहाँ गौशाला में किस तरह से गायों को रखा जा रहा है, किस तरह से व्यवस्था की गई है, सफाई भी वाकई काफ़ी हद तक यहाँ पर नज़र आ रही है, तमाम गाय हंसती खेलती भी नज़र आ रही हैं विजुअल्स में आपने देखा। अब आपको उन पार्टीशंस की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ इन्होंने बताया कि जिस तरह से गायों को कैटेगरी में बांट कर इन्होंने रखा है और वहाँ उनको देखरेख के लिए रखा जाता है। ये वो पार्टीशन है जहाँ गायों के लिए, जो अभी आपने गाय देखी थी, ये गाय सभी यहाँ पर चारे के लिए आएंगी। ट्रैक्टर ट्रॉली में ये पूरी लेबर जो है अब लगी हुई है चारे को डालने के लिए, क्योंकि जितनी भी गाय हैं दरवाज़ा एक खुलते ही सारी गाय अब इस वाले एरिया में आएंगी और अपना चारा लेंगी, और चारा लेने के बाद इनको किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा, क्योंकि 3,500 गाय किस तरह से संभालते हैं आप? नहीं, संभालने की ज़रूरत नहीं होती, तकरीबन ये इनका चारा हो जाता है, शाम को यहीं रहेंगे, बंद बाड़े भी हैं खुले हुए भी हैं। हाँ। इनको जहाँ मर्जी पानी पियो, जहाँ मर्जी चारा खाओ। हाँ। हम इनको बांध के नहीं रखते और इनको खुले में रखते हैं, जैसे खुले आए जहाँ मर्जी खाओ। ये काफ़ी बड़ी व्यवस्था है इनको चारा करने के लिए। हाँ, हमारे पास तकरीबन कितना चारा प्रतिदिन लग जाता है इन गायों की सेवा में? देखो, तकरीबन 350 क्विंटल चारा जो है डेली चाहिए हमें, जिसमें 350 क्विंटल तो एक टाइम का चारा लग जाता हमारा, और दूसरे टाइम का चारा भी 350 क्विंटल के आसपास ज़्यादा ही लगता है। हाँ। रात में ज़्यादा भोजन करती हैं ये, रात लंबी होती है। हाँ। और दिन में तो इधर उधर हो गए, गांव वाले भी खिलाने आ जाते हैं और कोई भी आ जाते हैं, लेकिन 700 क्विंटल पर डे इनको हरा चारा चाहिए ही चाहिए। क्या ये मशीनों से यहीं पर काटा जाता है कि यहीं पर पूरी व्यवस्था की गई? यहाँ पे किसान द्वारा लेके, और हमने यहीं पे अपनी मशीन लगाई हुई है हरे चारे की काटने की, और ये हमारे गौ सेवक हैं। हाँ। ये सब इन पे डालते हैं, हर खोर को भरा जाता है। ये कितने एकड़ में पूरी गौशाला का निर्माण किया गया है, क्योंकि 3,500 गाय हैं उनको पालने के लिए जगह भी काफ़ी बड़ी बनाई गई है? ये जी तकरीबन 9.5 एकड़ में फैला हुआ है, और ये लालचंदी महाराज द्वारा अपनी ज़मीन थी, कुछ गांव वालों ने दान दी है, दान से ही ये चलती है, दान की ही महिमा है। क्या सरकार द्वारा कोई मदद इस गौशाला के लिए? नहीं, हमारे याद में तो कभी गौशाला को मदद दी नहीं है गवर्नमेंट ने। ये मैं देख पा रही हूँ कि इतना बड़ी संख्या में आपने जमा करके रखा है खाना, तो क्या गायों के लिए पूरा किस तरह से आप लोग एकत्रित करके रखते हैं, ये कहाँ से कितनी संख्या में आप मंगाते हैं? ये हम तकरीबन 1500 क्विंटल जो है, 15,000 क्विंटल तूड़ा सालाना तकरीबन खरीदा जाता है। हुँ. और इन्होंने बड़े बड़े हैंगर बना रखे हैं, 3 स्टोर हैं। हुँ. उनमें स्टोर करके रखते हैं, जो सालाना हमारा गाय को चारा भरपूर मात्रा में मिलता रहे। और ये क्या पूरा मतलब एक साल में एक बार पूरा खरीद के रख लेते? हाँ, एक साल में किसान जो हैं फसल पे। हाँ। हम एक बार में ही, इसको तूड़ा बोला जाता है हमारी देसी भाषा में। हाँ। और इसको एक बार में ही लिया जाता है। हाँ। अप्रैल के महीने में। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रही थी, आपने कहा कि आपकी गौशाला जो है वो दान पर चलती है, तो क्या आसपास के इलाके के जो गांव के लोग हैं वो इतना दान दे पाते हैं कि 3,500 गायों का पालन पोषण भरपूर मात्रा में हो पाए? हाँ बिल्कुल, जो गाँव के आसपास के लालचंद महाराज की कृपा से, लालचंद महाराज की गौशाला से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं सबकी आस्था है इस पे, और वो जी जान से गाय माता को भूखी नहीं मरने देंगे। कहीं ना कहीं गौ पूजन की वजह से, गौ आस्था की वजह से, गौ आस्था जो हमारे हिंदू धर्म में है, गौ को माता का दर्जा दिया गया है, तो उसकी वजह से हमारे जितने भी लालचंद महाराज के अनुयायी हैं उन्हीं की देखरेख में पहले ही चलता था, और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सब इस चारे की व्यवस्था देखते थे पहले, और अब जो है नई जनरेशन आ गई, नया कमेटी बन गई, नया हुआ है, और साल भर का इकट्ठा ही ले लिया जाता है। पहले खेत होते थे, दान में आता था, अब खरीदना पड़ता है। ये ग्रामीण गौशाला को आज हमने आपको विजिट कराया कि बवाना में स्थित है, और बवाना की इस ग्रामीण गौशाला दान पात्र द्वारा इस पूरी गौशाला को चलाया जाता है। ये चारा जो गायों को खिलाया जाता है, किस तरह से गायों को यहाँ रखा जाता है, पालन पोषण किया जाता है,
कितनी गाय यहाँ पर है ये भी आपको दिखाया, कितने बाड़े यहाँ पर बनाए गए हैं वो भी आपको दिखाया। तो ये ज़रा अब आपको इस पूरी वीडियो को देखकर पता चल गया होगा कि किस तरह से गायों की पालन पोषण करना चाहिए, उनको किस तरह से रखना चाहिए, एक गाय की दिनचर्या क्या होती है, उसकी असली किस तरह से उनको पाला जाता है, ये पूरी स्थिति आपको दिखाई है। अब आप कंपेयर कीजिए कि दिल्ली की सड़कों पर घूमती वो आवारा पालतू पशु, आवारा पालतू जानवर जो गाय सड़कों पर घूम रही हैं, मैं आवारा और पालतू दोनों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहा जाता है कि वो आवारा हैं लेकिन असल में वो आवारा नहीं है, पालतू हैं, कुछ लोग द्वारा पाली जाती हैं और सड़कों पर छोड़ दी जाती हैं। तो उनमें कंपेयर कीजिए कि असल में एक गाय की दिनचर्या क्या होनी चाहिए और उनकी असली दुर्दशा किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर हमें देखने के लिए मिलती है। इस पर और लोगों की प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। शुक्रिया।